So guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं IQ के 9T डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर रीसेट ऑल सेटिंग को यूज कैसे करेंगे। That means guys, अगर आपके भी फोन में कोई भी ऐसे बायोमेट्रिकली सेटिंग्स ऑन हो जाती है जिसको आप बंद करने की कोशिश करते हैं बिकॉज वो बंद नहीं होती, तो आप इसी तरह से अपने फोन के अंदर एक सेटिंग्स भी आती है इसका आप यूज करके अपने फोन को कम्प्लीटली रीसेट ऑल सेटिंग कर सकते हो, जिससे आपके जो सेटिंग्स वगैरह लाइक ऑन हो गए हैं बाय मिस्टेकली वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अभी चलो डेमो करते हैं, दिखाते हैं रीसेट ऑल सेटिंग को यूज कैसे करना है हमें अपने डिवाइस के अंदर। गाइस, फोन के अंदर रीसेट ऑल सेटिंग को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें सेटिंग्स को ओपन करना होगा जो हमने ऑलरेडी ओपन करा है। इसको लोन करके नीचे आना, इसमें एक सेटिंग्स होगा सिस्टम का, एक बार आप प्रेस करेंगे देन यहां पर आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है बैकअप एंड रीस्टोर, उसके जस्ट नीचे मिल जाएगा रीसेट ऑप्शंस, एक बार आप इसको प्रेस करेंगे एंड यहां पर फोर सेटिंग्स आपको मिलती है। वाईफाई एंड मोबाइल ब्लूटूथ वगैरह को भी आप रीसेट कर सकते हैं, जैसे कि आप कनेक्ट कर रहे हो किसी डिवाइस में और कनेक्ट या डिसकनेक्ट दोनों का ऑप्शन आ रहा है तो इजीली इसे रीसेट कर सकते हो, तो ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाती है। नीचे है एक ऑप्शन रीसेट ऐप प्रेफरेंस, इसमें क्या होता है कि जो एप्लीकेशन ऐसे मान लीजिए ब्रेक होता है, ब्रेक मीन्स कि जैसे आप ओपन करते हैं इसके बाद ओपन नहीं होता तो दोबारा आप ओपन करते हैं फिर से ओपन नहीं होता, तो इस तरीके से ब्रेक के लिए आपको करना क्या है इस ऐप को रीसेट कर देना, जो ऐप सेटिंग्स है इसको रीसेट कर देंगे तो जितनी एप्लीकेशन सब रीसेट हो जाएंगी मींस कि दोबारा से सेट हो जाएंगी, इसके बाद जो आईडीज वगैरह है सब बना के एक्सेस कर सकते हो, अगर ऐसे ये प्रॉब्लम जो है देखने को नहीं मिलेगी। थर्ड वाला ऑप्शन से ये इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए ऐसी कोई सेटिंग्स आपने ऑन करी जिसको आपने ऑन कर दिया बट आपको पता नहीं एक्चुअली सेटिंग्स कहां पर है जिससे हम बंद कर सके और प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो रीसेट ऑल सेटिंग्स को यूज करना, टोटली सेटिंग्स रीसेट हो जाएंगी, आपके फोन से कोई भी डाटा रिमूव नहीं होगा। और लास्ट वाला ऑप्शन है इराइज ऑल डाटा का, जिसको फैक्ट्री रीसेट बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि आपके जो भी फोटोज वगैरह है, हालांकि न्यू डिवाइस में एसडी कार्ड का ऑप्शन नहीं है तो ऐसे बाय डिफॉल्ट फोन स्टोरेज भी क्लीन हो जाता है, तो आगे से ध्यान रखें इस तरीके से जब भी आप रीसेट करें अपने फोन को तो फैक्ट्री डाटा रीसेट ना करें, जब भी आपका डाटा है पहले उसको बैकअप में रख लें इसके बाद ही आप उसको रीसेट करें। हाँ, सेटिंग्स अगर आप बाय मिस्टेक ऑन कर दिए हो तो रीसेट ऑल सेटिंग को यूज करके उसे कर सकते हो।